हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेली डिजिटल क्लास। दोस्तों, आज फिर एक और बार मैं अपने चैनल में आप सभी लोगों का इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए लेकर आया हूँ, जो आने वाले एग्जामिनेशन में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, बहुत ही उपयोगी हो सकती है आपके लिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मोस्ट आईएमपी की इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। मोस्ट आईएमपी कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस देने वाला हूँ मोस्ट आईएमपी, जो यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम में पूछाने की संभावना हो सकती है। दोस्तों, बीकॉम सेम और फोर वालों के लिए मोस्ट आईएमपी जो आने वाला है, करीब एग्ज़ाम बहुत ही करीब है, उनके लिए इकोनॉमिक्स में मैं आईएमपी लेकर आया हूं। दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखें, आईएमपी जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही मोस्ट आईएमपी आगे भी पाने के लिए बाजू में आते बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि आप भी नई नई मोस्ट आईएमपी देख सको। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बीकॉम सेम फोर इकोनॉमिक्स, जो आपको यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ दिखता होगा बीकॉम सेम फोर इकोनॉमिक्स। उसके फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर वन की मैं आईएमपी अगर आपको बता दूँ, चैप्टर वन की जो आईएमपी मैं यहाँ पर दूँगा, उसमें फर्स्ट है जाहिर व्यवस्था नो अर्थ। जाहिर अर्थव्यवस्था नो अर्थ, उद्देश्य और कार्य क्षेत्र, ये पूछाने के मैं 50% में आपको गारंटी दे सकता हूँ कि ये जाहिर अर्थव्यवस्था नो अर्थ, उसके उद्देश्यों और उसके कार्यक्षेत्र, ये पूछाने की 50% में आपको गारंटी दे सकता हूँ। इसके बाद सेकंड जो मैंने आईएमपी सेकंड क्वेश्चन है, तफावत हर एग्ज़ाम में तफावत पूछाता ही है दोस्तों, उसमें है जाहिर अने खानगी अर्थव्यवस्था, और दूसरा तफावत है जाहिर अने खानगी वस्तु। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं सेकंड चैप्टर की बात करूं यहाँ पर, तो इसमें भी जाहिर खर्च नो अर्थ, ऊपर चैप्टर वन में जाहिर अर्थव्यवस्था थी, इसमें जाहिर खर्च नो अर्थ और उद्देश्य, इसमें जाहिर खर्च है, और इसमें दूसरा है जाहिर खर्च वधवाना कारण। इसके बाद मैं थर्ड चैप्टर की यहाँ पर बात करूँ, तो थर्ड चैप्टर कर वेरा रिलेटेड है, मतलब हमारा जो टैक्सेशन जो होता है उसके रिलेटेड, मतलब ये थियरी में होता है और वो प्रैक्टिकल होता है, ये हमें थियरी इकोनॉमिक्स में थियरी होता है हमारा, ये कर वेरा चैप्टर थ्री के, चैप्टर थ्री का नाम है कर वेरा नो परिचय, उसमें है फर्स्ट आईएमपी में आपको दूँ तो कर वेरा नो अर्थ अने तेनी लाक्षणिकताओ, कर वेरा नो अर्थ अने तेनी लाक्षणिकता हो, दूसरे में भी तफावत है, दूसरा तफावत मैं आपको यहाँ पर दूँ तो जाहिर अने खानगी देवू, ये तफावत आपको याद कर लेना है, जाहिर अने खानगी देवू का तफावत। और इसके बाद तीसरा जो है यहाँ पर जाहिर दीवाना प्रकार हो, जाहिर दीवाना प्रकार हो। तो दोस्तों, फिर से मैं एक और बार दोहरा देता हूँ, चैप्टर वन जाहिर अर्थव्यवस्था नो अर्थ, उद्देश्य अने तेनु कार्यक्षेत्र, सेकंड जो तफावत है जाहिर अने खानगी अर्थविधान, तीसरा जो है जाहिर अने खानगी वस्तु, जाहिर अने खानगी वस्तु और जाहिर और खानगी अर्थविधान दोनों अलग है, ये आपको ध्यान रखना है। और सेकंड चैप्टर की जाहिर खर्च नो अर्थ, अर्थ आपको याद करना है, छोटा सा होता है, हर एग्ज़ाम में चैप्टर, किसी भी चैप्टर का एक अर्थ तो पूछाता ही है दोस्तों, एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम हो, बीकॉम सेम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, किसी भी एग्ज़ाम में हो, जाहिर अर्थ, जाहिर कुछ भी चैप्टर का अर्थ तो आप पूछाता ही है। तो चैप्टर टू का जाहिर खर्च नो अर्थ और उसके उद्देश्य, दूसरा क्वेश्चन दू जाहिर खर्च ना वधवाना कारण। इसके बाद तीसरे चैप्टर की मैं यहाँ पर बात करूँ कर वेरा, मैंने पहले भी आपको बताया कि ये टैक्सेशंस का एक पार्ट है,
टैक्सेशंस का एक पार्ट है जो हमने प्रैक्टिकल टैक्सेशन में हमने जो प्रैक्टिकल किया था वो यहाँ पर हमें थियोरिकल करना है। जाहिर कर विरान अर्थ कर विरा में मतलब गवर्नमेंट की इनकम, गवर्नमेंट कहाँ से इनकम कमाती है, गवर्नमेंट कहाँ पर खर्च करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, कितना करती है, वो सब की इंफॉर्मेशन इसी इकोनॉमिक्स में सेम फॉर में आपको यहाँ पर सीखने मिलेगा। आपने सीख भी लिया होगा, जिसने रेगुलर जो पढ़ाई करता होगा उसने सीख लिया होगा। जो कर विरान अर्थ अने लाक्षणिक था, इसके बाद तफावत जाहिर अने खानगी देवों का तफावत, इसके बाद तीसरा है जाहिर देवाना प्रकारों। ठीक है दोस्तों, ये कुछ IMPs सम थे जो मैंने आपके सामने यहाँ पर रखे, और मैं आगे भी और भी मोस्ट IMP अपलोड करने वाला हूँ। तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक जितने भी वीडियो है BCOM SEM4 के रिलेटेड मैं आप हमारे चैनल पे वीडियोस के अंदर जाकर या तो फिर प्लेलिस्ट के अंदर जाकर आप देख सकते हो। ये सब वीडियो मैंने आप लोगों के लिए ही बनाई हुई है, आपके फ़ायदे के लिए ही बनाई हुई है। तो दोस्तों इसको पूरा देखिए, आपको समझ में आएगा, आपके काम ही आएगा, आपके एग्ज़ाम में काम आएगा। मेरे तो सिर्फ मेरा काम था अपलोड करना, आपका काम था सिर्फ देख लेना। देख कर आप सीख सकते हो और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे पास हो सकते हो। वैसे भी अब जल्दी बहुत ही जल्दी एग्ज़ाम शुरू होने वाली है आप लोगों की, BCOM SEM4 वालों की। तो आई होप कि आप अच्छी तैयारी कर रहे होगे। ठीक है, तो और भी अपलोड करने वाला हूँ मैं आगे IMPs, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और लाइक कर दे। और इस लाइक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी IMP के विषय जान सके क्या होती है IMP, और उसके IMPs याद कर कर आपके दोस्त भी एग्ज़ाम में पास हो सके। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में मोस्ट IMP के साथ।